ओजा एकादशी। हरि ओम ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। युधिष्ठिर पचारिले, हे जनार्दन, एवे भाद्रव मास कृष्ण पक्षरे जेउ एकादशी पड़े ताहा मु शुणिबाकु चाहे, ताहा कृपा करी कुहंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, राजन एकचित होई शुण, भाद्रव मास कृष्णपक्ष एकादशीर नाम अजा। यह सर्वपाप नाशक बोली कहा जाइछि। जिए भगवान ऋषिकेशंकर पूजा करी यहार व्रत अनुष्ठान करे तार समस्त पाप नष्ट हो जाए। पूर्व कालरे हरिश्चंद्र नामक जणे विख्यात चक्रवर्ती राजा थिले। से समस्त भूमंडलर स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थिले। एकदा कौनसी कर्मफल अनुजाई तांकु राज्य हरावेकु पड़िला। राजा निज पत्नी और पुत्र को बिक्री करिदेले, पुणी निजक मध्य बिक्री करिदेले। पुण्यात्मा होई सुधा तांकु चंडालर दासत्व करियाकु पड़िला। से श्मशानरे शब पोड़िबा काम करुथिले। एते घटना परे मध्य नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्यरु विचलित हेले नाही। एहिपरी चंडालर दासत्व करी मध्य अनेक वर्ष बीतीगला। एहिपरी चंडालर दासत्व करी अनेक वर्ष बीतीगला। राजा बड़ चिंतित हेले। से अत्यंत दुखी होई चिंता करिबाकु लागिले, कौन करिबि, केउठाकु जीवि, किपरी मोर उद्धार हेब। एहिपरी भावी भावी से शोक सागर रे बुड़ीगले। राजा को शोकातुर जाणी महर्षि गौतम तांको पाखकु आसिले। से ब्राह्मण को निज पाखकु आसुथिबार देखि नृपश्रेष्ठ तांकर चरण रे प्रणाम कले और दुई हाथ जोड़ी गौतम आगरे छिड़ा होई निजर समस्त दुखमय संवाद कही शुणाइले। राजा कथा शुणी गौतम कहिले, राजन, भाद्रव मास कृष्णपक्ष अत्यंत कल्याणमयी अजा एकादशी आसुअछि, जहाँ पुण्य प्रदानकारी, यहार व्रत कर, एथिरे पापर अंत होइजीव। तुमर भाग्य को आज ठारु ठीक सात दिन पर एकादशी पड़ुछि। एही दिन उपवास पूर्वक रातिरे जागरण करिव। मुनिक कथा शुणी राजा हरिश्चंद्र एही उत्तम व्रतर अनुष्ठान कले। एही व्रतर प्रभाव रे राजांकर समस्त दुख दूर होइगला। से पत्नी और पुत्र को पुनः फेरी पाइले। आकाशरे दुंदुभी बाजी उठिला एवं देवलोकर पुष्पवृष्टि हेला। एकादशी प्रभाव रे राजा को पुनः निष्कंटक राज्य प्राप्त हेला। परिशेषरे से पूर्वजन तथा परिजनक सहित स्वर्गलोक प्राप्त हेले। राजा युधिष्ठिर, जेऊ मनीष एभली व्रत करंती से समस्त पापरु मुक्त होई स्वर्गलोक को जानते। यहार पठन और श्रवण द्वारा अश्वमेध्य यज्ञर फल प्राप्त हुए। हरि ओम।